नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का आज की इस प्यारी सी सुबह में सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, सारे दिन में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और लोगों के बातचीत करने के तरीके से समझ में आता है कि वो कितने समझदार हैं। सचमुच समझदार व्यक्ति की अनेक परिभाषाएं निकाली जा सकती हैं, अनेक उनकी निशानियां निकाली जा सकती हैं, जिनमें से एक ये भी है कि वो दूसरों के द्वारा की गई आलोचनाओं का बहुत ही सहजता से सामना करते हैं, उसमें विचलित नहीं होते, लेकिन वहीं से अपने आगे बढ़ने का मार्ग निकाल लेते हैं। ये सत्य है कि हमें अप्रिशिएट करने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन हमारी टांग खींचने वाले, हमें पीछे गिराने की कोशिश करने वाले बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है, वो आगे बढ़ने का मार्ग स्वतः तलाश लेता है बिना विचलित हुए। ऐसा ही है कुछ आज का सुंदर सुवाक्य भी। आइए सुनते हैं कि समझदारी का परिचय किस प्रकार से समझदार व्यक्ति देते हैं। समझदार वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि वह है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। जीवन की यात्रा में हमेशा हर परिस्थिति हमारे अनुकूल हो, यह संभव नहीं। कभी कभी दूसरों से हमारी विचारधारा अलग होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वे हमसे नाखुश हो जाते हैं। ऐसे में अपनी सोच और बुद्धिमत्ता को साबित करने के लिए लोग बढ़ चढ़ कर हमारी बुराई करने लगते हैं और हमारी छोटी से छोटी कमी को भी बड़ी गलती के रूप में प्रचारित करने लगते हैं। इस असहयोग से मायूस होकर ना तो हमें रुकना है और ना ही उन्हें भी समान रूप से दुख देना है, बल्कि उन्हें अपने ऐसे सहयोगी के रूप में देखना है जो हम में जरा सी भी कमी बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमें अचूक बनाने के लिए तत्पर है। हमें उनके दिए हुए उलानों को तोहफा समझकर अपनी नाम मात्र गलतियों को भी दूर करते जाना है। इसलिए किसी के शब्दों के पत्थर से ना घबरा कर उन्हीं पत्थरों से अपनी प्रतिभा के पुल बांधिए। मित्रों, अब तक तो सुनते आए टीट फॉर टैट की नीति को अपनाओ, लेकिन उससे एक कदम हम आगे बढ़ें और लोगों को बातें करने दें, कुछ भी कहने दें, लेकिन हम उन बुरी बातों से भी, अपने लिए की गई ग्लानि की बातों से भी अपने लिए राह निकाल लें, आगे से आगे बढ़ें। हाथी जब बाजार में चलता है तो बहुत सारे छोटे छोटे जीव, आप जानते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन हाथी किसी के पीछे नहीं भागता, अपने गंतव्य की ओर चलता रहता है, लक्ष्य की ओर चलता रहता है। हम भी लक्ष्य पर एकाग्र रहें और आगे से आगे बढ़ते रहें, अपनी भावनाओं को सबके लिए सुंदर और श्रेष्ठ रखते हुए, क्योंकि हमारी भावनाएं हमारे तन मन जीवन और हमारे लक्ष्य को प्रभावित करने वाली होती हैं। और लगातार हमारी चर्चा हो रही है कि कैसी हमारी जो भावनाएं हैं वो हमारे तन की जो बीमारियां हैं उनका भी कारण बन जाती हैं। ओम शांति। सूरज जो प्रकृति को कितना कुछ प्रदान करता है, लेकिन आज हम जानेंगे कि सिंपल सनशाइन में रहने से हम अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। वी कैन ऐड नंबर ऑफ इयर्स टू आवर लाइफ। जी हाँ, तो जब हम सिंपल सनशाइन में बैठते हैं तो तीन चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे इस स्वस्थ जीवन के लिए वो बनती हैं, जैसे कि विटामिन डी। हम सब जानते हैं कि विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, और ये भी देखा गया है कि विटामिन डी की कमी की वजह से बहुत सारे अन्य रोग भी उत्पन्न होने लगते हैं, तो इसलिए विटामिन डी के लिए सनशाइन में बैठें। दूसरा, जब हम सूरज की रोशनी में बैठते हैं, सूरज की किरणों को स्वयं में समाते हैं, तो उससे सीरोटोनिन हार्मोन भी बनता है जो हमारे खुशनुमा जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सीरोटोनिन को हैप्पी हार्मोन कहा जाता है। और तीसरा, मेलाटोनिन, वो इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे सुखद जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, और एंटी एजिंग भी कहा जाता है उसको। सर्कैडियन रिदम को वो मेंटेन रखता है, यहाँ तक कि उसको मेलाटोनिन को ऑनकोस्टेटिक भी कहा जाता है। एक बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और स्लीप पैटर्न को रेगुलेट करता है। तो सिंपल सनशाइन में बैठने से
तीन चीजें जो हमें प्राप्त हुई, विटामिन डी, सीरोटोनिन और मेलाटोनिन, ये हमारे तन मन लंबी आयु के लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन सनशाइन में बैठते समय अपने मन को भी ज्ञान सूर्य जो परमात्मा परम ज्योति हैं उनकी किरणों के नीचे रखें तो हमारा मन भी संपूर्ण स्वस्थ रहेगा। जब सनशाइन में बैठते हैं तो रिलैक्स होके बैठें और मन को ये संकल्प दें कि ज्ञान सूर्य परम ज्योति निराकार परमात्मा की सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मैं आत्मा सशक्त होते जा रही हूँ और उसी तरह सूरज की किरणें मेरे शरीर पर पड़ रही हैं और मेरा शरीर स्वस्थ होते जा रहा है। हम इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि हम सनशाइन सुबह के समय में लेंगे। सनराइज से 2 घंटे का जो समय होता है वो बहुत ही लाभदायक है। जो हार्ड धूप होती है बिल्कुल दोपहर के समय की, उसमें आप निकलने से बचें, क्योंकि उस समय अल्ट्रावायलेट रे हमारे स्किन में यदि पेनिट्रेट करेगा तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो ये याद रखें कि सुबह की धूप लें। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। कहते भी हैं कि मन का भाव यदि सच्चा हो तो हर काम अच्छा होता है। इसीलिए चारों तरफ चाहे कैसी भी परिस्थितियां हैं, बातें हैं, लोग हैं, हम अपने मन के भाव को सच्चा रखें, अच्छा रखें, तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होता चलेगा। और यही करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी। वो भी तो संसार में हैं, परिस्थितियों में हैं, लोगों के बीच हैं, लेकिन फिर भी अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहते हैं, सच्चाई और अच्छाई के पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। और इसमें अध्यात्म उन्हें बहुत मदद करता है, जिसे वो अपने हृदय से स्वीकार करते हैं। आइए देखें कि विशिष्ट की बातें विशेष में अपने अनुभव के साथ आज हमारे साथ कौन है। After you came to Brahma Kumaris 1.5 years, what difference do you see in your past life? Even in your this, you were reading scriptures, you were taking inspirations from many, and now you are into this scientific method of learning spirituality. So, what difference do you see? Difference is there that I think earlier. Also, I was connecting myself to Lord Krishna. Earlier, that was the difference. I used to connect. But now, I think that I am connecting to my father. And father is giving all the blessings to me. And I need not worry for anything. I should do my work, my duty. That is there in Gita also. And everything will come from there. Whatever is my requirement, he will definitely do. And he is doing it also. I have never found any problem. Problem will come. But that you won't feel that much. That feeling will not be there. You will be able to overcome it very easily. What would you like to tell those people who are supposedly at the end of their life's journey? For old age people, they should not think that this is end of the life. Because if they go through these scriptures and BK's organization, they will come to know that soul will take another. It is only cloth. So it is which not garments, the, garments which you are changing. It is not the end actually. It is not the end. It's not the end. Now there are so many research also. Life after death and life after life. So many research are being conducted and it is an actual experience which people have given there. That they went there and they saw something and some star was there and they regained energy. And when they came back, they were renewed. They were charged. बाहर के उतार चढ़ावों को तो फिर भी व्यक्ति झेल लेता है, लेकिन यदि अंदर कोई कमजोरी है, कोई खामी है, वो बार बार उसे कचोटती रहती है, बार बार उसे अंदर ही अंदर हराती रहती है, जिसके कारण वो अंततः हार मान लेता है और कई बार कुछ गलत कदम भी उठा लेता है। कैसे अपने अंदर की कमजोरियों को दूर करें, क्योंकि इन कमजोरियों को दूर करने के लिए कोई और ऐसी दुकान, मॉल, बाजार में कोई ऐसे साधन तो है नहीं। कैसे अंदर की खामियों को हम दूर करें, यही आध्यात्म हमारी बहुत मदद करता है। और यही आध्यात्मिक प्रकाश ब्रह्मा कुमारियां सभी को प्रदान कर रही हैं कि कैसे अपने अंतर की कमजोरियों को दूर करें और अपनी विशेषताओं को बढ़ाते चलें, कैसे एक नायक बनकर के अपने जीवन में, समाज में उभरें। आइए देखें आध्यात्म का ये सुंदर प्रकाश ब्रह्मा कुमारियां कहाँ कहाँ प्रदान कर रही हैं।
मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित ब्रह्मा कुमारीज किशोर सागर द्वारा तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में साप्ताहिक नशा मुक्ति प्रदर्शनी का आयोजन पूरे जिले भर में की जा रही है, जिसकी शुरुआत छत्रसाल चौराहा स्थित श्रमिक प्रतीक्षालय में और महावीर मंदिर परिसर में लगाकर की गई। इसी तरह जिला अस्पताल में भी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर जी एल अहिरवार जी, ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर शरद चौरसिया जी, हरपालपुर सेवा केंद्र प्रभारी बी के आशा बहन, बी के रेखा बहन एवं अन्य डॉक्टर्स की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर बी के कल्पना बहन ने नशा मुक्ति प्रदर्शनी के बारे में बताते हुए कहा कि आज हिंसा, एक्सीडेंट्स और बढ़ते हुए दुराचार का मूल कारण नशा ही है, क्योंकि नशे में व्यक्ति अपना होश खो देता है और हर निर्णय गलत ही लेता है। इस अभियान के तहत ब्रह्मा कुमारीज द्वारा विभिन्न स्थानों पर लोगों को जागरूक किया गया और नशे से होने वाले दुष्प्रभाव पर प्रकाश डाला। पितरों कहते हैं कि खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, एक ना एक दिन साथ जरूर छोड़ जाते हैं। इसीलिए खुद पर भरोसा करना और खुदा पर निश्चय रखना, विश्वास रखना, आस्था रखना, ये बहुत ज़रूरी है। संसार की बड़ी से बड़ी जो विपदाएँ हैं, आपदाएँ हैं या हमारे सामने आने वाली चुनौतियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, उनसे हम सहज रूप से पार हो जाते हैं जब खुद पर भरोसा होता है और उस पर आस्था हमारा बना रहता है। बाकी तो जिन लोगों को भी हम अपना सहारा समझते हैं, वो कहीं ना कहीं हम सबका अनुभव है, साथ तो वो छोड़ ही देते हैं। तो क्यों ना हम इतने योग्य बने, काबिल बने कि हमें किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन हम औरों के सहारे बन जाएं। बहुत गहराई से इस बात पर विचार कीजिएगा कि कैसे हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सुदृढ़ करते चलें दिनों दिन, और साथ ही अपने विश्वास को भी उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सुदृढ़ करते चलें, ताकि हमारी जो नैया हैं कभी भी डगमगाए नहीं, लेकिन हम सहजता से अपने जीवन का आनंद लेते हुए अपने गंतव्य तक पहुँच जाएँ। विचार कीजिएगा, कल्पना इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।